एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी पोएम ऑन किलिंग अ ट्री, जो कि चैप्टर नंबर 7 रीच फॉर द टॉप पे दी हुई है। पोएम ऑन किलिंग द ट्री, उसमें पोएट है जीव पटेल, जो टॉन्ट मारते हुए हमें बताना चाहते हैं कि अगर आप ट्री को किल करोगे, आप सिर्फ ट्री को किल आप कट कर रहे हो, ट्री को किल नहीं कर रहे, तो अगर आपको सच में ट्री को किल करना है तो क्या क्या होगा, और अगर आपको ट्री को किल करना है तो कैसे होगा वो भी बताया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले बिफोर यू रीड पढ़ लेते हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड पीपल कटिंग डाउन ट्रीज। आप सभी ने ऑब्जर्व किया होगा, जो पीपल्स है, लोग हैं, वो जो ट्री है, ट्रीज है, उनको कट करते हैं। बट कैन दे किल अ ट्री, क्या वो ट्री को किल कर सकते हैं? इज इट ईजी टू डू सो, क्या वो इतना आसान है कोई भी ट्री को मारना? लेट्स रीड द पोएम एंड फाइंड आउट व्हाट द पोएट सेज ऑन किलिंग अ ट्री। चलो हम लोग पोएम को रीड करते हैं और पता करते हैं कि जो पोएट है जीव पटेल, वो क्या कहना चाहते हैं एक ट्री को मारने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं स्टांजा वन से। इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री, एक ट्री को मारने के लिए बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है। नॉट अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ विल डू इट। सिंपल कोई भी इंसान को मारना होता है तो हम लोग सिर्फ चाकू घुसा देते हैं उसमें तो वो मर जाता है, बट ट्री में ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी। सिर्फ अगर आप ट्री में चाकू घुसाने जाओगे तो बिल्कुल भी उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जैब मतलब होता है कट ऑफ द नाइफ विल डू इट। इट हैज़ ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ, जो ट्री है वो एकदम स्लोली स्लोली ग्रो हुआ है, कंज्यूमिंग द अर्थ, अर्थ को कंज्यूम करते हुए, अर्थ के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स है वो सब वो कंज्यूम कर रहा है, उसके बाद वो धीमे धीमे ग्रो हुआ है। और आप सभी को पता होगा जो भी चीज़ धीमे धीमे ग्रो होती है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है, उसको मारना इतना आसान नहीं होता है। राइजिंग आउट ऑफ इट, अर्थ के अंदर से, मतलब कि जो सॉइल है उसके अंदर से वो बाहर निकली है, राइज हुआ है ट्री। फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट, जो क्रस्ट है उसके ऊपर ट्री होता है। एब्जॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट, एयर, वाटर। तो बहुत ही साल लगते हैं एक ट्री बनने में, सबसे पहले प्लांट बनता है फिर ट्री बनता है धीमे धीमे, तो बहुत ही साल, इतने साल की सनलाइट, एयर, वाटर, ये सब कुछ उसने एब्जॉर्ब किया है, उसके बाद वो ट्री बना है। तो इतना आसान नहीं है वो ट्री को मारना। एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रस हाइड स्प्राउटिंग लीव्स। ओके, तो लेप्रस हाइड मतलब कि जो ट्री का ट्रंक होता है वो ब्राउन शेड का होता है, बहुत सारे शेड होते हैं उसमें ब्राउन कलर के, जैसे कि लेप्रसी एक डिसीज़ है, उसमें आपने देखा होगा कोई कोई जो लोग होते हैं उनके स्किन पे वाइट वाइट धब्बे हो जाते हैं, सेम वैसे ही ट्री के जो ट्रंक है वहाँ पे शेड्स होते हैं ब्राउन कलर के, उसे लेप्रस हाइड बोला गया। और स्प्राउटिंग लीव्स, बहुत ही सुंदर लीव्स उस पर आते हैं। तो जो फर्स्ट स्टैंजा है उस पर बताया गया है कि इतना ईजी नहीं है ट्री को मारना, वो स्लोली 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 अर्थ को कंज्यूम करते हुए ग्रो हुआ है, उसने बहुत ही सालों की सनलाइट, एयर, वाटर, ये सब कुछ एब्जॉर्ब किया है, तो इतना आसान नहीं है कोई भी ट्री को मारना। सेकेंड स्टैंजा, सो हैव एंड चॉप, है कैन चॉप बट दिस अलोन वॉन्ट डू इट। सिर्फ ट्री का जो ट्रंक है उसको चॉप कर देना, उससे भी ट्री नहीं मरेगा। नॉट सो मच पेन विल डू इट, ट्री को दर्द होगा। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जो ट्री है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसे भी दर्द होगा, अगर हम लोगों को भी कोई मारता है तो हमें भी दर्द होता है, वैसे सेम टू सेम ट्री को भी दर्द होगा, पर वो जो पेन है वो भी उसे नहीं मार सकता। द ब्लीडिंग बार्क विल हील, जो जैसे कि हम लोगों को लगता है चाकू से हमारा हाथ कट जाता है या कुछ भी होता है तो हमें भी ब्लीडिंग होती है, सेम वे में जो ट्रीज है उनको भी ब्लीडिंग होती है। जैसे कि ये ट्री कट किया है
तो यहाँ से और यहाँ से सैप निकलेगा। जो ब्लीडिंग है उनमें ब्लड नहीं होता बट उनमें सैप होता है, तो जो बार्क है वहाँ से सैप निकलेगा, जो वो घाव है वो भी जल्दी सही हो जाएगा। वक्त के साथ सब घाव भर जाएंगे, ट्री के भी, वो भी ट्री को नहीं मार सकते। एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स। ओके, तो ये जो ग्राउंड है वहाँ से वापस से क्या हो जाएगी, कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स ग्रो होना चालू हो जाएगी ऐसे। ओके, ऐसे कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स ग्रो होना वापस स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपने ट्री के ट्रंक को कट किया है फिर भी वो ट्री नहीं मरेगा। मिनिएचर बोज, मिनिएचर मतलब क्या होता है, स्मॉल, और बोज का मतलब होता है स्टेम। मिनिएचर बोज विच, छोटे छोटे जो स्टेम्स है वो वापस आना चालू हो जाएंगे। विच इफ अनचेक्ड विल एक्सपांड अगेन टू अ फॉर्मर साइज। ओके, तो अगर आप बहुत ही टाइम तक वापस उस पर ध्यान नहीं दोगे, वापस उसे कट नहीं करोगे, तो वापस वो अपनी पहले वाली साइज पर आ जाएगा। बहुत, अगर आप इतने, यानी कि बहुत टाइम तक आप उस पर ध्यान नहीं दोगे, उसे कट नहीं करोगे, तो वापस वो अपने फॉर्मर साइज पे आ जाएगा, जैसे कि वो पहले था सेम वैसे ही हो जाएगा। तो इस स्टांजा में भी हम लोगों को बताया गया है कि आप इतना करोगे फिर भी ट्री नहीं मरने वाला है। तो अब बताएंगे पोएट को ट्री को किल कैसे किया जाता है। अगर आपको सच में ट्री को मारना है तो ये करना है। नो द रूट इज टू बी पुल्ड आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ, इट इज टू बी रोप्ड टाइट एंड पुल्ड आउट स्नैप्ड आउट। ओके, अगर आपको सच में ट्री को मारना है तो आप उसकी रूट, उसके जड़ को बाहर निकाल दो, पुल्ड आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ। एंकरिंग अर्थ मतलब जो अर्थ ने उसको बाइंड किया हुआ है, होल्ड किया हुआ है टाइटली, उस अर्थ से उसे बाहर खींच लो। इट इज टू बी रोप्ड, जो ट्री है वो रोप्ड यानी कि रस्सी से बांधना है, उसके बाद उसको पुल्ड आउट या फिर स्नैप्ड आउट बाहर निकाल देना है, और पुल्ड आउट एंटायरली आउट फ्रॉम द अर्थ केव, उस जो अर्थ केव के अंदर रूट्स है उसमें से उसे बाहर निकाल देना है। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड, जो ट्री की स्ट्रेंथ है, आप अगर ट्री को बाहर निकालोगे रूट से खींच के, तब आपको पता चलेगा ट्री की स्ट्रेंथ क्या है, वो ओपनली एक्सपोज्ड मतलब ओपनली आपको दिखेगी ट्री की स्ट्रेंथ। द सोर्स वाइट एंड वेट, अभी ये हमारे रूट्स की बात हो रही है, जैसे कि ये ट्री है, ये उसकी रूट्स है, ओके, तो ये कैसी होती है, वाइट कलर की होती है एंड वेट होती है ड्यू टू मॉइस्चर, मॉइस्चर होता है सॉइल में उसकी वजह से वो गीली होती है। द मोस्ट सेंसिटिव हिडन फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ, ठीक है, हम लोगों को कोई भी लोग को यानी कि किसी को भी हराना होता है तो हम लोग सबसे पहले उसके सेंसिटिव पॉइंट पे टारगेट करते हैं उसे। तो सेम वे में जो ट्री है उसका सबसे सेंसिटिव पार्ट कौन सा है, रूट है, जो बहुत ही सालों से अर्थ के अंदर छुपा हुआ है। तो इस स्टांजा में कहना चाहते हैं अगर आपको सच में ट्री को मारना है तो उसकी रूट से उसको बाहर निकाल दो, उसको जो एंकरिंग अर्थ, उसने जो अर्थ ने उसे होल्ड किया हुआ है टाइटली, उससे उसे बाहर निकाल दो, उसे रोप से टाई करके उसके बाद खींच लो, उसको पूरा पूरी रूट्स जो है वो बाहर निकाल दो, आउट फ्रॉम द अर्थ केव। अभी जो अर्थ केव में ये है रूट्स, उसमें से बाहर निकालोगे फिर ये खाली जगह जो होगी वो कैविटीज होगी। तो सेम वे में ऐसा बोल रहे हैं कि उसको अर्थ केव में से बाहर निकाल दो एंड उसके बाद आपको ट्री की स्ट्रेंथ पता चलेगी। द सोर्स, अभी जो रूट्स है वो वाइट कलर की होती है और गीली होती है, द मोस्ट वो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट है ट्री का, हिडन फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ। देन द मैटर ऑफ स्कॉचिंग एंड चॉकिंग इन सन एंड एयर,
browning, hardening, twisting, weathering and then it is done. Okay, जो आपने ट्री को मारा है, किल किया है, उसको अब आप चॉक कर दो, छोट पीसेस में कट कर दो, उसके बाद उसको सन और एयर में छोड़ दो ताकि वो सूख जाए. उसके बाद वो ब्राउन कलर का हो जाएगा, एकदम हार्ड हो जाएगा, उसकी जो डालियाँ है वो ट्विस्ट हो जाएगी, विदरिंग आराम से टूट सकती है, ऐसे हो जाएगी एंड देन इट इज़ डन. उसके बाद आपने एक ट्री को किल कर दिया, आपका जो काम था वो डन हो गया. तो अगर आपको कोई भी ट्री को मारना है तो उसके बारे में लिखा हुआ है, जो आपको ट्री को मारना है उसको आप पहले जो अप्रूट किया है आपने ट्री को उसको पीसेस में कट कर दो, उसके बाद उसे सन एंड एयर में रख दो ताकि वो सूख जाए, फिर वो ब्राउन कलर का हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, वो ट्विस्ट हो जाएगा, उसकी जो डालियाँ है वो वेदरिंग एंड देन इट इज़ डन. तो ये हमारी पोएम थी ऑन किलिंग द ट्री. अगर कोई भी डाउट्स हो कमेंट में बताना. थैंक यू.